पवन सिंह की वाइफ ज्योति सिंह ने किया कुछ ऐसा जिससे टारगेट हुए पवन सिंह। क्या पवन सिंह की एक्स गर्लफ्रेंड अक्षरा सिंह के रास्ते पर चल रही है ज्योति सिंह? क्या पवन सिंह अब ज्योति सिंह को देंगे जवाब? आइए आपको बताते हैं कि क्या है पूरा माजरा जो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी छाया हुआ है। जैसा कि आप सभी को पता है, भोजपुरी के सुपरस्टार एक्टर और सिंगर पवन सिंह और उनकी दूसरी पत्नी ज्योति सिंह के बीच कोर्ट में डाइवोर्स का केस चल रहा है, जिसको लेकर आए दिन ज्योति सिंह के कोई कोई स्टेटमेंट आते रहते हैं, लेकिन इस बार उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, बल्कि इस बार उनका एक सोशल मीडिया पर एक क्रिप्टिक सा पोस्ट आया है। दरअसल ज्योति सिंह ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपने खूबसूरत फोटोज का कोलाज बनाकर एक वीडियो अपलोड किया है, जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा है, अकेले होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप कमजोर हो, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप अकेले ही काफी हो अपनी चीजों को हैंडल करने के लिए। बस फिर इधर उन्होंने ये कैप्शन लिखा और तुरंत लोगों ने इनके इस कैप्शन को इनके पति पवन सिंह पर कमेंट कसने को लेकर जोड़ दिया। वहीं दूसरी ओर उनके फैंस इनके लुक्स की तारीफ करते नहीं थक रहे। जानकारी के लिए आपको बता दें, ज्योति सिंह ने क्लियरली पवन सिंह पर अक्षरा सिंह से रिश्ता रखने पर बेवफाई का इल्जाम लगाया था। बाद में बात इतनी बिगड़ गई कि मामला डाइवोर्स पर आ पहुंचा और जब ज्योति सिंह ने वन टाइम सेटलमेंट की बात की तो पवन सिंह ने साफ मना कर दिया। और फिर ज्योति सिंह ने मीडिया में एक बयान भी दिया था कि वो तलाक के बाद कहीं की नहीं रहेंगी। ज्योति सिंह का ये स्टेटमेंट उस समय खूब हेडलाइंस में रहा था। आपको बता दें, ठीक इसी तरह पवन सिंह की एक्स गर्लफ्रेंड अक्षरा सिंह के ज्यादातर गानों को लोग पवन सिंह से जोड़ देते हैं, क्योंकि अक्षरा सिंह के कई गानों में बेवफाई का तड़का देखने को मिलता है, जैसे तेरी इतनी औकात नहीं, इधर आने का नहीं, जिसका चाटता है उसी का काटता है, और प्यार एक धोखा है। वो अलग बात है कि अक्षरा सिंह ने भी पवन सिंह पर बेवफाई का इल्जाम लगाया था। पूर्वांचल लाइव की ऐसी ही लेटेस्ट और चटपटी अपडेट्स और गॉसिप के लिए बने रहिए अपने फेवरेट चैनल पूर्वांचल लाइव के साथ।